निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग अतिथि शिक्षकों का पेमेंट कैसे और कब होगा तथा इसके लिए उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उनका अनुपस्थिति विवरणी कैसे भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है तथा उस फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो पीजी लेवल पे अतिथि शिक्षकों का कुछ जिलों में अभी काउंसलिंग होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अतिथि शिक्षक जो हैं उनका कुछ जिलों में उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं ये कि कैसे पेमेंट होगा अतिथि शिक्षकों का इसके विषय में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ में यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालय में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को 1,000 प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिनों अर्थात 25,000 प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। यानी 1,000 देना है पर डे का और मैक्सिमम ये हो सकता है 25,000 रुपये। अब देना कैसे है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है 7 नंबर में। राजकीय या राजकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या 21 के अंतर्गत विपत्र कोड इतना देख सकते हैं, ये कोड है कि विषय शीर्ष 2802 संविदा सेवाओं में उपबंधित राशि से किया जाएगा। यानी इसमें से जो राशि आएगा उसी से इन लोगों का वेतन का भुगतान होगा जो अतिथि शिक्षक पीजी लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, यानी जो 10+2 में है, 11th 12th में, उनका भुगतान इससे होगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों का पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षकों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। तो ये चीज आरटीजीएस के थ्रू अतिथि शिक्षक जो भी हैं उनको ट्रांसफर करना है। किसके थ्रू मिलेगा तो इस कोड के थ्रू इन्हें जो एचएम होते हैं उनको दिया जाएगा, फिर वहां से आरटीजीएस वो अतिथि शिक्षक के अकाउंट में करेंगे। इसके लिए बहुत सारे जिलों में कार्य स्टार्ट भी हो गए हैं, जैसे पटना में स्टार्ट कुछ स्कूलों में हो चुका है, वो लोग अपना विवरणी देना स्टार्ट कर दिए हैं। साथ में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये समस्तीपुर में भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुका है। आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं ये समस्तीपुर का है। जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को सुस्ताक प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि उक्त पत्र के कंडिका 7 में निहित निर्देशों का पालन करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से अतिथि शिक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि की मांग की जाए। तो यहाँ पे राशि की मांग की बात की गई है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा। समस्तीपुर का ये न्यूज़ है। इसी तरह प्रत्येक जिले में हो सकता है, तो इसके लिए आपको विवरणी देना होगा, अनुपस्थिति विवरणी जो है वो देना पड़ेगा ताकि मांग की जाएगी ताकि वहां से पैसे अतिथि शिक्षकों को मिल सके। बहुत सारे जिले में स्टार्ट हो चुका है, कुछ जिलों में स्टार्ट नहीं भी हुए हैं, तो वहां पे जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो अपने जिले के अंतर्गत संपर्क करें डीओ से, एचएम से, ताकि ये चीज स्टार्ट हो सके अगर आप चाहते हैं तो। इसके साथ ही मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूँ जिस फॉर्मेट में सभी लोग भर के दे रहे हैं। ये आपके सामने अतिथि शिक्षक अनुपस्थिति विवरणी का फॉर्मेट है, उसे कैसे फिल करना है चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे आपको डालना है दिनांक को, दिनांक यहाँ से यहाँ तक, यानी इस दिनांक से लेकर
इस दिनांकक, यहाँ पे डालना है माह, यहाँ पे विद्यालय का नाम, उसका प्रखंड, उसका मंडल, उसका जिला, यहाँ पे क्रम संख्या है लिखना है, यहाँ पे दो टीचर के लिए को क्रम संख्या एक, क्रम संख्या दो, शिक्षक का नाम डालना है, यहाँ पे जन्मतिथि डालना है, नियुक्ति की तिथि डालना है, पद स्थापन तिथि डालना है, बैंक का नाम डालना है, खाता संख्या, खाता संख्या में आप बटे में करके उसका आईएफएससी कोड जरूर डाल दीजिएगा, साथ में कार्य अवधि, यानी जो कार्य अवधि है उतना, जैसे 25 दिन, 26 दिन, जो भी कार्य अवधि है वो, उसके बाद कार्य दिवस, कितना दिन कार्य हुआ, जैसे 10 दिन आए, 20 दिन आए, जितना दिन कार्य दिवस है वो, इसके बाद वेतनमान, वेतनमान आपका हो सकता है क्या है, 1,000 रुपये प्रति कार्य दिवस। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये है वर्तमान माह का अवकाश, जो उनका अवकाश है वो, जो जो छुट्टी लिए हैं वो आकस्मिक तथा अन्य, गत माह का अवकाश आकस्मिक अन्य, वर्तमान माह का कुल अवकाश आकस्मिक कितना हुआ, अवकाश कितना हुआ। इसके बाद वेतन की अवधि, वेतन की अवधि में आप डाल सकते हैं, जैसे 18 दिन उन्होंने काम किया का 18 दिन गुणे जो वन डे का 1,000 रुपये वो, फिर टोटल में जितना हुआ वो चीज़, यहाँ पे रिमार्क्स दे सकते हैं, अभियुक्ति है ये, यानी कुछ इनके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपको टीचर का हस्ताक्षर होगा, जो भी अतिथि शिक्षक है उनका हस्ताक्षर, एक में एक टीचर, दूसरे में दूसरे टीचर, यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक का नाम होगा, पूरा नाम, मोहर सहित हस्ताक्षर भी होगा, और यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना। तो ये फॉर्मेट है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इसे इजली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो किस ज़िले में काउंसलिंग हो रही है, तो काउंसलिंग की तिथि मैं आपको बता देता हूँ, 23 और 24 को काउंसलिंग है बक्सर ज़िले में, तो बक्सर ज़िले का आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे 23 और 24 अक्टूबर को काउंसलिंग है, वहाँ आप जा सकते हैं अगर आपने वहाँ फॉर्म डाला है तो। इसके साथ ही आपको एक और न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अभी जांच हो रहा है अतिथि शिक्षकों के सर्टिफिकेट का, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, वो न्यूज़ है आपका रोहतास से यानी सासाराम से, और दूसरा न्यूज़ है आपका औरंगाबाद से, औरंगाबाद में DO के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि वहाँ जो भी HM है वो जांच करे जो भी अतिथि शिक्षक उनके स्कूल में आए हैं उनके सर्टिफिकेट का। चलिए हम लाइव देखते हैं, आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो देख सकते हैं विषय है अतिथि शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में, और दिनांक भी देख सकते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये DO का लेटर है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का, उन्होंने लिखा है उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि आपको पूर्व में भी अधो हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि अतिथि शिक्षकों का शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी संस्था से करवा लेना है, लेकिन आपके द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई सूचना अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में पुनः आपको आदेश दिया जाता है कि अतिथि शिक्षकों का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से अवश्य सत्यापन करा लें तथा इसकी सूचना अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करवाएं, ताकि इनके मानदेय भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे अति आवश्यक समझें। वो ये चीज़ भेजा गया वहाँ पे औरंगाबाद में, तो ये चीज़ भी चल रहा है, यानी जांच भी चल रहा है, किसी किसी ज़िले में काउंसलिंग भी चल रहा है, साथ में कुछ ज़िलों में ऐसे ज़िले हैं जो अपना फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है उन लोगों का अनुपस्थिति विवरणी का, उसे भी जमा कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें मानदेय जो है उसका भुगतान हो सके, उन्हें जो पैसे हैं वो उन्हें मिल सके। तो इस तरीके से आपने आज जाना कि क्या क्या 3+2 जो अतिथि शिक्षक है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।